Hi student, this is my third video of real number. Now in this section we are discussing about the using of Euclid division lemma to solving the theorem type of question. इस सेगमेंट में बेटा हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए प्रूविंग वाले क्वेश्चनों को फिर से एक बार सॉल्व करने की अब प्रयास करेंगे और इसमें हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए स्क्वायर वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको हम बताएंगे. जैसे कि कोई क्वेश्चन इस तरीके से दिया रहेगा, सो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m + 1. इस टाइप के क्वेश्चन बेसिकली हम लोगों से पूछे जाते हैं. तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करते समय हमने आपको बताया था कि हम यहाँ पे बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यहाँ पे क्या नंबर होता है. मैंने वहां पे आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि ये हम लोगों के ट्रिक वाले नंबर होते हैं. तो हम यहाँ पे फिर से बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर R is greater than or equal to 0 but less than b. And now when number is divisible by three, then a is equal to 3q plus r and possible remainder is 0, 1, 2. Now case 1, if r is equal to 0 then a is equal to 3q plus 0. इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9q². यहां इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें 3m लाना है इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 के अलावा जो नंबर बचता है उसको मल्टीपल फॉर्म में लिख देते हैं यहाँ पे और इसके जगह पे m कर देते हैं और यहाँ पे बता देते हैं m इज इक्वल टू 3q². सिमिलरली इन नेक्स्ट केस r इज इक्वल टू 1 देन a इज इक्वल टू 3q + 1 एंड आफ्टर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगेन squaring on both sides we again get a square 9q² plus 6q + 1. आप यहाँ पे 3 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 3q² plus 2q + 1 और इस जगह पे हम लोग डिनोट कर देंगे. यहाँ पे हम इस चीज को गायब कर देते हैं और यहाँ पे फिर बता देते हैं कि हमने यम के जगह पे 3q + 2q को इसे गायब कर दिया. सिमिलरली हम दूसरे केस में भी इसी तरीके से जितने केसेस हमको मिलते हैं हम उस केस में भी सिमिलरली इफ अगर केस नंबर 3 अगर हमारा है तो r इज इक्वल टू लास्ट में फिर हम 2 लेते हैं. केस नंबर 3 हमारा है, ये बन जाएगा a इज इक्वल टू 3q + 2 अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q² प्लस 12q + 4. बट यहाँ पे 4 आ गया तो इस केस में हम यहाँ पे इसको 9q² प्लस 12q प्लस 3 + 1. अब यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3q² प्लस 4q + 1 और + 1. तो इस तरीके से
ये और फिर से 3m plus 1 की फॉर्म में बन गया और यहाँ पे हमने m की जगह पे छिपाया हुआ है 3q² + 4q + 1। इस तरीके से हम जितने भी फॉर्मेट अगर 3 से डिविजिबल होने वाले अगर नंबर हैं तो उसमें जो भी नंबर स्क्वायर के रूप में अगर है तो उनको या तो 3m सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ 3m + 1। तो ये हमारा हो गया स्क्वायर के फॉर्मेट का क्वेश्चन। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में हम इरेशनल नंबर की प्रूविंग के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।